ऑलराइट, लेट्स डू द पोस्टमार्टम ऑफ द मूवी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये आप दिमाग से नहीं, दिल से देखिए। अरे दिल की बात छोड़ दे भाई, जो पैसे निकलते हैं वो जेब से निकलते हैं, मेरे पैसे दे दे। देखो ये ऐसा है, मैं पता किया है, होमोसेक्सुअलिटी कोई डिजीज नहीं है, लेकिन अगर एक्टिंग नहीं आती और फिर भी आप एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो, एक बहुत बड़ी बीमारी है और सुनील कपूर इस बीमारी से ग्रस्त है। आज क्या है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसा लगना चाहिए था वैसा ना लगा। आपको क्या, मेरे भी दिमाग का भूषण हो गया। I mean, try to understand the movie and the pain of it. मतलब राजकुमार भाई जिससे प्यार करता है वो लड़की किसी और लड़की से प्यार करती है, इसलिए वो लड़की उससे भैंक क्या है। मैं हुआ है कभी? True love type. Honestly, it's a beautiful movie and a bold subject. Just because of Sonam Kapoor, this movie was failed. True love के रास्ते में कोई ना कोई सियापा होता है। पर टाइटल भी कितना बढ़िया रखा है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सलमान भाई होते तो बोलते एक हिरण को देखा तो ऐसा लगा। चल बा चूतिया। तू चूतिया। डैडी जी हम लोगों को ना जल्दी से स्वीटी की शादी करनी पड़ेगी। अरे पिक्चर शुरू होती है शादी पे और खत्म होती है बर्बादी पे। Moneyhall.com से शादी। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स अनिल कपूर एंड जूही चावला, यू कैन सी देम टुगेदर। मतलब बुढ़ापे में बहुत ही ग्रेसफुल लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं। यकीन ही नहीं होता कि इन दोनों ने मिलके वो गाना गाया था। खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। अरे सपोर्टिंग कास्ट बहुत अच्छी है, लेकिन किसी ने इस पिक्चर को पोस्टमार्टम की राह पे पहुंचाया तो वो है सोनम कपूर। कहाँ है मेरी बंदूक? खुले में हगना बंद करो। मतलब कितना अच्छा टाइटल है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। मोदी जी होते तो बोलते मित्रों एक पप्पू को देखा तो ऐसा लगा। यू नो इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन टू गर्ल्स, दे लव ईच अदर, बट यू कांट फील एनीथिंग बिकॉज सोनम कपूर शी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ सिंगल इमोशन। सबका दिमाग एक ही डायरेक्शन में क्यों चलता है? हम जो लका लकी की प्रेम का है, पर लका लकी नहीं, लकी और लकी का। डैडी आपको क्या लगता है और इसका चक्कर इस लड़के के साथ में? अब क्या जमा आ गया हाँ में आल, कौन लड़का कौन लकी, हमें पीएम को माया। एक्चुअली सोनम कपूर शुड लर्न समथिंग फ्रॉम मिस्टर राहुल गांधी। अरे इतने चांसेस के बाद मिस्टर राहुल गांधी सीख गए, ये एक्टिंग कब सीखेगी? पिक्चर डुबा दी। न्याय करो, तुम न्याय करो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, मतलब कितना अच्छा टाइटल है। अभी एसआर के भाई होते तो बोलते एक हिट मूवी को देखा तो अच्छा लगा जो मिली नहीं रही है। तू चूती। बट लेट मी टेल यू द सपोर्टिंग कास्ट ऑफ द मूवी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एवरीवन वॉज परफेक्ट एक्सेप्ट सोनम कपूर। प्लागू खाएगा। मतलब जब आप देखते हो ना उसको स्क्रीन पे, वो रो रही है तो हंसी छूटती है, जब वो हंसती तो लगता है अरे यार रोना आ रहा है। चल बा चूतिया। तू चूतिया। पर सच में अगर सोनम की जगह और कोई टैलेंटेड एक्ट्रेस होती, कंगना की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी होती वो भी टैलेंटेड, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी मेहनत से पाई है, मेरे पिताजी ने मुझे नहीं दी, तो ये रोल को बहुत अच्छे से पुल ऑफ करती और ये मूवी हिस्टोरिकल बन जाती। जैसे एक मूवी आई थी याद है, कौन सी थी? अबे याद नहीं है तो क्यों बोलता चुती है? The movie name was Fire, शबाना आजमी एंड नंदिता दास। मतलब कितना अच्छा टाइटल है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। हार्दिक पांड्या होता तो बोलता एक कॉफी को देखा तो ऐसा लगा जैसे फटके हाथ में आ गई हो। चल बा चुतिया। तू चुतिया। And all those who are in love with this original song of Al Kapoor, they will go to shock. ये एक क्लासिक गाना एक लड़का लड़की के लिए गाता है जब उसे प्यार हो जाता है, सच्चा प्यार। लेकिन यहाँ पे एक लड़की दूसरी लड़की के लिए गा रही है, इमोशंस का दी एंड हो जाता है, लेकिन गलत बात नहीं है, गा भी सकती है। अरे एक लड़की को देखा तो पैसा लगा, मुझे मेरे टिकट के पैसे वापस चाहिए। बट आफ्टर वॉचिंग द एंटायर मूवी पीपल आर फील बैड फॉर राजकुमार राव ऑल्सो। अरे राजकुमार भाई की किस्मत ही खराब है, स्त्री में भूत मिली और मिल गई। इट कैन बी अ मेमोरेबल मूवी, ऑल द इंग्रेडिएंट्स वर परफेक्ट, बट सोनम कपूर। पर मेरी उम्मीद पे खरे तो आप भी नहीं उतरे डैडी। एक नया जुस्सा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? अपनी चूतिया एक्टिंग से फिल्म की मां बहन करने का उसे कोई हक नहीं था। तुम पहले बंदे हो जिसे मैंने अपना सच बताया। लेट मी टेल यू गाइस, इट्स नॉट द फर्स्ट मूवी व्हेन अ वुमन लविंग अनदर वुमन। देयर वाज अ मूवी कॉल्ड फायर एंड गर्लफ्रेंड, दे स्टार्टेड इट लॉन्ग बैक। अरे मूवी इतनी बुरी थी कि दद्दू ने भी गाली नहीं दी, वरना हर बार बोलते बेकार पिक्चर है। मां का जूदू क्या बेकार है। लेकिन जब आप इस गाने में अनिल कपूर को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो वाला अनिल कपूर ज्यादा फिट है या ये वाला। नाउ लेट मी गिव यू सम ट्रिविया गाइस,
It was the last movie of the great Pancham Da. And let me tell you, in this movie, 1942, A Love Story, Mr. Sanjay Bhansali was the assistant director of Mr. Vidhu Unnio Chopra. Ladki ko dekha to aisa laga. You know, this movie had the potential to become a successful and memorable movie. But I'm so sorry, guys, because of Sonam Kapoor. So thank you so much for watching this, guys. Hope you will like this postmortem. We'll do the postmortem of the next movie called Son Chiraiya or Son Chiraiya, whatever it is. And please give your feedback and subscribe for the regular videos of the postmortem and watch our breaking news section. You will love it. And yeah, the 1942 love story and Ek Ladki Ko Dekha To Aisa Laga. Both are associated with Mr. Anil Kapoor. Last. Aur ye jo clip aap dekhne wale ho, isko leke main picture banaunga. एक भालू को देखा तो ऐसा लगा कल मैं चूतिया तू चूतिया मुझे पता था तुम एक ना एक दिन आओगे कितना इंतजार करवाया तुमने देखो अलर्ट हो जाएगा भोसड़ी वाला मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है